चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने धर्मपत्नी कौशल्या देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे। आपको बता दें कि इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थी और मुख्यमंत्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इतिहास के भयावह सत्य को उजागर करने का सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी और संवेदनशीलता ने एक बार फिर लोगों के दिलों को छू लिया है। यह दृश्य दिखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां छत्तीसगढ़ दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। छत्तीसगढ़ की परंपरा और कला की शानदार प्रस्तुतियां मंच पर हो रही थी और दर्शक तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी को लेकर सरकार पर लगातार हमला पर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है, कई बार सर्वर डाउन है। बार बार आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दोनों की कमी इसमें नजर आती है। धान उठाव की स्थिति में बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब बताने का केवल एक उद्देश्य है कि सरकार कुल मिलाकर धान खरीदना नहीं चाहती। 21 क्विंटल का बोर्ड तो होने लगा दिया है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। सब कम धान ही बेच रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल के चावल का जिक्र करते हुए भी कहा कि पिछले साल का 45% धान अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनका उठाव भी नहीं किया गया है। किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे किसान ये बोल रहे हैं कि एक मिनट सर्वर खुलता है, एक मिनट के ओपन होता है ऑनलाइन, और एक आध किसान रजिस्टर कर पाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज ही मुझे गंडई से फोन आया था, बहुत छोटे किसान का। उसी प्रकार से जो धान टोकन ले भी लिए किसी प्रकार से, तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात उठाओ, धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिल के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ यह है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है, 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं, और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं, उन गांव के किसान जिनका केवल अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा सीधे बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपया का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से, और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरे तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं, गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान की फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपये फाइन। इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है, इसकी नीयत नहीं है। ये सरकार किसानों को सक्षम होते हुए देखना नहीं चाहते।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाले गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, यह जानने के लिए और आगे क्या करना चाहिए, इसको लेकर कॉन्फ्रेंस चल रही है। निश्चित रूप से सरकार के काम पर जनता की बेहतरी के लिए सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में प्रदेश को इसका लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, उन्हें तो कार्यशाला बेकार ही लगेगी और वास्तविकता यह है कि जनता को इस कार्यशाला का बड़ा लाभ आने वाले समय में होने वाला है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार हमने सुशासन विभाग बनाया है और सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, आगे और क्या करना चाहिए, इसको लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। तो निश्चित रूप से सुशासन आए, सरकार के काम पारदर्शिता से हों, जनता के काम समयबद्ध हों, इसे लेकर निश्चित रूप से सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में इस कार्यशाला का बड़ा लाभ प्रदेश को मिलेगा। जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को दुर्दशा की हो, वो सुशासन का मायने तो जानेंगे नहीं। 5 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने कुशासन की सरकार चलाई हो, वो सुशासन का अर्थ भी नहीं समझेंगे, इसलिए उनके लिए तो ये कार्यशाला बेकार ही लगेगा उन्हें। पर वास्तविकता ये है, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को इस कार्यशाला का बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना होनी है। कांग्रेस लगातार ईवीएम की सुरक्षा के लिए टीम बना रही है और ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब भी ईवीएम पर प्रश्न उठाए तो मान लीजिए कि वह हारने वाली है, बुरी तरह से हारने वाली है। और दूसरी तरफ दावा तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किया था, 75 पार का लोकसभा चुनाव में भी दावा किया था। फिर कांग्रेस के दावे की पोल खुलेगी और लगातार 9वीं बार रायपुर दक्षिण में कमल खिलेगा, हमारे प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस जब भी ईवीएम पर प्रश्न उठाए तो मान लीजिए कि वो हारने वाले हैं, बुरी तरह से हारने वाले हैं। दावा तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किया था 75 पार का, लोकसभा चुनाव में भी दावा किया था इसी तरह से। उनके दावे की पोल खुल गई थी परिणाम के दिन, तो कल भी कांग्रेस के दावे की पोल खुलेगी और लगातार 9वीं बार रायपुर दक्षिण में कमल खिलेगा, हमारा प्रत्याशी, हमारी पार्टी भारी वोटों से जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धान खरीदी बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का पैसा खाया, वह कटौती करके किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे, किसानों को परेशान किया जा रहा था, लूटा जा रहा था और उनके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का पैसा खाया हो, चौथे किस्त में कटौती करके किसानों को प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो, लूटा हो, उसके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा। साहब ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के आरोप भूपेश बघेल की तरफ से लगाए गए हैं वो सारे खारिज हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किसानों को लूटने का काम किया था। अगर किसानों के लिए सराहनीय कार्य कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। अरुण साहब ने सीधे तौर पर जो बयान भूपेश बघेल की तरफ से आया था उस पर तीखा हमला उन्होंने बोला और साफ तौर पर सीधा पलटवार उन्होंने कांग्रेस पर किया।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 10 नक्सली ढेर हुए हैं। मामले पर मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सुकमा में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। हमारी सरकार की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की पहल बढ़ाएंगे। सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्र में, कठिन क्षेत्र में जाकर नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुकमा में मुठभेड़ की खबरें आई है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धान खरीदी पर लगाए आरोप पर कहा है कि हमारी सरकार जो वादा करती है वह पूरा कर रही है। हम धान खरीदी कर रहे हैं और अभी धान खरीदी को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अभी से कांग्रेस पार्टी का इस तरह से मिनमेक निकालना सही नहीं है। अभी धान खरीदी और होगी और सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। देखिए, पहले से कोर कल्पित रिजल्ट तैयार करना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। अभी तो 4 दिन हुए धान खरीदी चालू हुआ है, किसान अभी टोकन कटा रहे हैं, कुछ लोग बेचना चालू किए हैं, कुछ किसान अभी धान की मिंजाई कर रहे हैं, कुछ धान की कटाई कर रहे हैं। तो सरकार जब हमारे मैनिफेस्टो में है और हम कह चुके हैं कि 21 क्विंटल हम धान खरीदेंगे, तो खरीद रहे हैं। किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी, इस बात के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल और विधायक कल राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने गए थे। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। इसमें 2002 में हुए गोधरा में रेल हादसे की सच्चाई और वास्तविकता को दर्शाया गया है, जो कि सभी को मालूम होनी चाहिए। ये फिल्म इतिहास के उस दबे हुए पहलू को समाज के बीच में सच्चाई दिखाने का एक फिल्म था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए, इसीलिए हमारी सरकार इसको टैक्स फ्री की है, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको इतिहास पता चले कि किस प्रकार से लोगों ने न केवल ये साबरमती फिल्म में, अपितु देश में कई ऐसे जो पहलू हैं उसको दबाकर, तोड़ मरोड़ कर, गलत इतिहास छाप कर हमारी नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं। और इस पिक्चर के माध्यम से एक जो 2002 में जो घटना हुई थी और उस घटना को किस प्रकार से दबाया गया, किस प्रकार से उस समय के सत्तासीन लोगों ने समाज के सामने पेश करने का काम किया। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप आदर्श ग्राम कापसी पहुंचे, जहां उन्होंने परलकोट जलाशय में पहुंचे करोड़ों का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि साथ ही आरबीसी गेट मरम्मत और 14 किलोमीटर नहर का भूमि पूजन किया। साथ में अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और किसान पहुंचे। आपको बता दें कि 31 करोड़ रूपये खर्च कर गेट एवं नहर मरम्मत कार्य किया जाएगा। ऐसा ऐसा समय भी रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी हो इस बात को सुनिश्चित करे, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। लोगों के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी, वो महत्वपूर्ण है। आपकी सामग्री क्या गिरी है वो आप संभाल के रखें, ऐसा ना हो कि फिर से क्या होते हैं वो करना पड़े। कोई बक्सा नहीं जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। और हमारे यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेटेड हमारी खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है और
आने वाले समय में हमारे अन्य क्षेत्र के किसानों को भी हम इसमें लाकर उनको कैसे बत्तख पालन के लिए, मछली पालन के लिए, सुअर पालन के लिए, बकरा पालन के लिए, मुर्गा पालन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए, खेती के धान उत्पादन के लिए कैसे एक वो बना करके काम किया जाए। निर्माण हुआ था, मुझे याद है उस समय काम हुआ था, लेकिन आज बेहतर तरीके से निर्माण ट्रेन के साथ साथ, चूंकि पठानकोट क्षेत्र में सिंचाई के दृष्टि से एक हरकट्टा जलाशय जो निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से बहुत सारे विलेजों में यहाँ पर सिंचाई का जो लाभ मिलता है, और निश्चित रूप से हमारे पठानकोट क्षेत्र, हमारे किसान भाई यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से खेती बाड़ी, धान के साथ मक्का सब्जी भाजी का उत्पादन, मत्स्य पालन करते हैं, और इस डैम के चलते बहुत सारे यहाँ पर सिंचाई के साथ साथ तालाबों तक पानी पहुंचने का काम होता है। और ये बड़ा काम जिसका हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनी, अभी एक साल का भी समय पूरा नहीं हुआ, उसके पहले आपके खैरकट्टा जलाशय के यहाँ पर जीर्णोद्धार के साथ साथ गेट का निर्माण का काम, 14 किलोमीटर का निर्माण का काम हो। रायपुर उत्तर विधानसभा अंतर्गत नगर पालिका निगम एवं पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान जोन आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी विजय अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी अधिकारी राजीव नसीने सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों जैसे कि सफाई, पानी की आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और मरम्मत आदि की समीक्षा की गई। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कर्मचारियों से इन कार्यों में और अधिक दक्षता लाने और लोगों को बेहतर सेवाएं देने का आग्रह किया। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्व को अच्छे से निर्वहन करना है, इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। नगर के विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को वार्ड क्रमांक 39 और वार्ड क्रमांक 23 में विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और वार्ड क्रमांक 39 बालको स्थित राम मंदिर प्रांगण में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में सामुदायिक भवन निर्माण लागत 10 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर दुर्गा पांडाल में किचन शेड और अन्य विकास कार्यों लागत 10 लाख का मंत्री श्री देवांगन ने भूमि पूजन किया। जिले के पुलिस महकमे में आज का दिन बेहद खास रहा। आज 17 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने पुलिस कार्यालय में पदोन्नति पाने वाले पुलिस कर्मियों की बाह पर लाल फीता लगाकर उन्हें पदोन्नत किया और इस अवसर पर एसपी ने सभी नव पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी और उनको एहसास कराया। इस दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को उनके बढ़े हुए कर्तव्यों की जानकारी दी और जांच विवेचना और कानून व्यवस्था के मामलों में रुचि और निष्ठा से काम करने की प्रेरणा भी थी। एसपी ने कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है, जिसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाना होगा। राजधानी में आयोजित गुड गवर्नेंस के रीजनल कॉन्फ्रेंस में आए देश भर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विशेषज्ञ नालंदा परिसर स्थित लाइब्रेरी एवं कला केंद्र में पहुंचे। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने नालंदा लाइब्रेरी में पहुंचकर कहा कि यहां पहुंचकर सकारात्मक ऊर्जा मिली, इस नवाचार को सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली नवाचार हैं और एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। यहां युवाओं को सिविल सर्विस में तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने यह भी कहा है कि यह नवाचार युवाओं के प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहा है।
रहा है। राज्य सरकार का यह फैसला युवाओं के राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देगा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आईएएस अफसरों के प्रतिनिधि मंडल को नालंदा लाइब्रेरी से रूबरू कराया, साथ ही लाइब्रेरी से होने वाले बुक इश्यू की प्रक्रिया बताई। कलेक्टर ने सभी अफसरों को बुक एवं फुल प्रक्रिया जो है वो बताई। जिला के सभी थाना प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर 250 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। प्रकरण में उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर हुए क्राइम मीटिंग के बाद में आपको बता दें कि सीएसपी अजय कुमार ने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 20 नवंबर में हुई कार्रवाई के बारे में उन्होंने बताया, और जिसमें युवराज सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है। आजाद चौक थाना से कुल 12 गिरफ्तारी वारंट शामिल हुए हैं। 3 व्यक्ति के विरुद्ध प्रति धनात्मक कार्रवाई की गई है। गुड़ियारी थाने से 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व हीरालाल झंगेल के कब्जे से चाकू बरामद किया गया है। लगातार राजधानी में क्राइम को लेकर कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें रोहित सिंह गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 20 नवंबर की कार्रवाई के बारे में ये मीटिंग है, जिसमें हम लोग आपको समय समय पर हम लोग आपको अवगत कराते हैं कि जो भी कार्रवाई विभिन्न थानों में रायपुर पुलिस द्वारा की गई है। तो इसके अंतर्गत कल उरला थाने में अपराध क्रमांक 343/24, जिसमें हम लोगों ने आर्म सेट की कार्रवाई की है 25-27 आर्म सेट के तहत, जिसमें हमने युवराज सिंह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है प्रगति अछोली थाना के एरिया से, और इसके कब्जे से हम लोगों ने एक नग चाकू उसने बरामद किया है और इसको हम लोगों ने जेल भेजा है। इसके अतिरिक्त आज़ाद चौक से हम लोगों ने कुल 12 गिरफ्तारी वारंट तामील किए हैं, और इसके अलावा 3 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। गुड़ियारी थाने से एक 25 आम सेट की कार्रवाई की गई है, जिसमें पप्पू और हीरालाल जंगेल पहाड़ी पारा से इसको गिरफ्तारी हुई है, और इसके कब्जे से एक नग चाकू बरामद किया गया है और इस पर कार्रवाई की गई है। उसी तरीके से राजेंद्र नगर में भी जो आप 74 BNS जो पहले आपका 376 होता था, और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोगों ने आरोपी रोहित सिंह और रंजीत सिंह उसको गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजा है। कहाँ का मामला, कब का मामला था? राजेंद्र नगर, ये न्यू राजेंद्र नगर का मामला है जी। धारा 74 और 8 पॉक्सो एक्ट अपराध क्रमांक 433/24। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में निजात अभियान के तहत नशा मुक्ति के संबंध में नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती चंचल तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन अजय कुमार तथा थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक रोहित मालेकर द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को निजात अभियान के उद्देश्य को बताते हुए सभी प्रकार के नशा व अपराध से दूर रहकर कड़ी मेहनत कर जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया गया। मुंबई से गुमशुदा बालक को छत्तीसगढ़ रायपुर की गुड़ियारी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को संगम गुप्ता दुकान का सामान खरीदने बाजार गया था, जिसके दिमागी हालत कमजोर होने की वजह से बिना बताए घर से ट्रेन के माध्यम से मुंबई से रायपुर आ गया था, जिसे 20 नवंबर को रायपुर में रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्थल पर देखा गया। थाना गुड़ियारी के पूछताछ पर बताया कि मुंबई से भटक कर ट्रेन के माध्यम से यहां आ गया है, जिसके बाद उसे वापस मुंबई भेजा गया। लड़के को सही सलामत देखकर पूरा परिवार रायपुर पुलिस का आभार व्यक्त कर रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।